अभी घर में आराम कर रही है सारी, कोई किसी ने कोई परीक्षा नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं है। अभी इस जन्म में सब परीक्षाएं गई, जो होना था वो समय दिया गया था। अभी जितने भी सारे शहरों में, जहाँ यूनिवर्स में, मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ जो भी सुन रहा है वो सुन ले कि अगर मैं भी आज बता रही हूँ तो क्या मेरे साथ परीक्षाएं नहीं हुई होंगी, नहीं हुई होंगी। ऐसे ही भगवान जी ने ये करवा दिया शुरू, कफन ही तो बांधना। हे माधो, बहुत जन्म बीते ये जन्म तेरे लेखे, उसके लेखे करना होता है। हर जन्म पति बच्चे घर बार सब के लिए जिए, गुरु के लिए कुछ भी नहीं। 1914 में जब थॉमस एडिसन 67 साल के थे, उनकी करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। जो हम दादा भगवान का ज्ञान सुन रहे हो, 40 साल में दिवालिया निकल गया था। उसके बाद देखो क्या बने अवतार पैगंबर। उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। उस कंपनी का बीमा बहुत कम था। एडिसन जो अब जवान नहीं थे, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को आग में जलते देखकर बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इसमें जलकर राख हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या खूब है ये नज़रिया भी। सफल लोगों की असफल कोशिशों के उदाहरण इस प्रकार है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 10,000 बार असफलता का सामना किया। 40 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गए थे। ली इकोका के को 54 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। जिंदगी में असफलताएं तो मिलेंगी ही, एक असफलता सफलता के लिए ड्राइविंग फोर्स भी बन सकती है और हमें नम्रता भी सिखाती है। दुख में मिला साहस और विश्वास आपको असफलता से उबरने में मदद कर सकता है। गुरु बैठा है, अगर मरना ही है ऐसे तो ऐसे होगा, इसमें क्या हो गया, यही तो गुरु ने बताया है। जब रामकृष्ण ने रहे तो हमने कहां तक रहना है, कितना बच जाएंगे, यही तो विल पावर है। डर और शक से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इस घटना से मैंने क्या सीखा, और तभी रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल पाएंगे। यही तो अध्यात्म में सारे लोग जो चढ़े हैं उन्होंने यही तो करा। बोलते हैं इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते हैं, विकल्प करते हैं ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। हमारे भगवान जी के ये इतने प्यारे सत्संग, जिन्होंने इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज हमें दी है अध्यात्म की, संसार की, और हमें क्या चाहिए, और कौन हमें हिम्मत बढ़ा सकता है। भगवान करे आप सब लोगों पर, आपके खानदान पर, आपके परिवार पर, सारे भगवान से जुड़े, भगवान की बातों को समझें, जो भी सत्संग सुन रहे हैं देश में विदेश में जहां भी, उन सबके ऊपर आशीर्वाद बरसें। हरिओम।